दो हेडमास्टरों की लड़ाई में आजादी से पहले स्थापित विद्यालय की हुई दुर्गति। ये है सीतामढ़ी शहर में आजादी से पहले स्थापित श्री लक्ष्मी किशोरी उच्च विद्यालय, जिसे देखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ विद्यालय की किसी को चिंता नहीं, लोगों को अपनी कुर्सी की चिंता है। इसी का नतीजा ये कि दो हेडमास्टरों में से एक साहब ने बिना विभाग की अनुमति के ही नए निर्माण के नाम पर पुराने भवन को तुड़वा दिया। जब मामले ने तूल पकड़ा तो काम रुकवाया गया। जब इसकी जानकारी मीडिया को लगी तब विभाग ने आरोपी हेडमास्टर से स्पष्टीकरण की मांग की है। वही जब मीडिया ने इस बाबत उनसे पूछताछ की तो उन्होंने विभाग पर ही आरोप मंड दिया। उनके मुताबिक विभाग ने पैसा लेकर ऐसा किया है। दूसरी ओर दूसरे हेडमास्टर साहब का कहना है कि विभागीय चिट्ठी उनके नाम की है, वहीं इनके द्वारा ही शिकायत के बाद बगैर अनुमति के जारी कार्य को रुकवाया गया। अब देखना यह है कि एक पद पर दो प्रभारी की लड़ाई से विद्यालय को कब निजात मिलती है। ये भवन तोड़ा जा रहा है, आपका कहना है कि ये मेरे जानकारी में है नहीं, तो किसके आदेश पर भवन का ये तोड़ा गया और क्या बात है जहाँ पर, अगर है ऐसी बात है, आपने शिकायत की है क्या? बिल्डिंग टूटने के लिए हमारी जानकारी जरूरी है, लेकिन जब देखा गया कि बिल्डिंग टूट रहा है तो पूछा गया, तो वो इसकी जानकारी हमको थी नहीं। हमने डीओ साहब को एक पत्र दिया कि भाई मेरे कंसेंट के बिना, मेरी जानकारी के बिना बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है और आप हमको इसकी सूचना हम आपको दे रहे हैं, और उसके तरफ से कहीं कोई प्रत्युत्तर हमको नहीं मिला। फिर दूसरी चिट्ठी हमने दिया कि टूट रही है, आपके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, आप पुनः मुझे आदेश दिया जाए, उस पर FIR किया जाए या आप स्वयं अपने स्तर से FIR करें। पेपर वाले आए और उसके बाद जो है जब DPO साहब से पूछा गया तब निर्माण कार्य, जब DO साहब के कंसेंट में आया, उनको जानकारी मिली, तब जाकर के मैंने तोड़ने का काम बंद किया गया है। उससे कौन लोग हैं जिनके जो तोड़वा रहे थे? अब इसकी जानकारी हमको नहीं है। हमको तो लगा कि रामचंद्र यादव ने स्वीकारा है कि पुराने नए बिल्डिंग बनाने के लिए पुराने को तोड़ा जा रहा है, पेपर में भी उनका स्टेटमेंट आया है, हमको लगता है वो उन्हीं का आदेश रहा होगा। आप अभी यहाँ के किस पद पर हैं? आप किस पद पर हैं अभी? हम अभी यहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक। प्रभारी प्रधानाध्यापक, तो बिना प्रधानाध्यापक के कंसेंट के कैसे तोड़ा गया? उन्होंने स्वीकार किया है, अपने को कहते हैं कि हम प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, और लक्ष्मी महतो जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने हमको बना के दिया, प्रबंधकारिणी समिति के जो सदस्य थे उनके सामने में हमको बनाया गया है, सब बोलते हैं। सरकार की तरफ से चिट्ठी आपके नाम से? मेरे नाम से है। तो एक तरह से दो प्रभारी प्रधानाध्यापकों की लड़ाई में स्कूल की यह गति है विद्यालय की। क्या नाम हुआ सर? विनोद कुमार सिंह। इशू है कि एक तरह से दो प्रधानाध्यापक एक स्कूल में, एक विद्यालय में दो प्रधानाध्यापकों के बीच की लड़ाई स्कूल प्रशासन भुगत रहा है, क्या है ये मामला पूरा? ये मामला DPO माध्यमिक के द्वारा बनाया गया है जो बिल्कुल गलत है, उनके अधिकार क्षेत्र से आजिल है, जिसमें उन्होंने किसी के नाम से चिट्ठी निर्गत करके उन्होंने दूसरा प्रधानाध्यापक बना दिया है, और उस चिट्ठी को क्वेश्चन करने के लिए DO से बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर हमसे गलती हुई, लेकिन वह मंडल जी जो DO थे, पूर्व के DO, उन्होंने कहा जब RDD को हाईकोर्ट के आदेश से नहीं लिखना है तो हम कौन लिखने वाले होते, हम तुम्हारा चिट्ठी कैंसिल नहीं करेंगे, गलती किया है तू भुगतो, और इसी पर वह चिट्ठी बरकरार रहा। इधर फिर सब अपना जाके पैसा दे देकर जो जो मन होता है सब करवाता है, मात्र इसमें पैसे का खेल है जी। अब विभाग वाला जो है किरानी उरानी सब जो है इसी को और तुर देख दे कर बरगलाए हुआ है, और कुछ नहीं। जब होदा साहब खुद जाकर DO को कहे कि हमारा हमसे गलती हो गई है सर, उस चिट्ठी को क्वेश्चन कर दीजिए, लेकिन DO कहा कि नहीं गलती तुम किया है सर, जानो तुम, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, यही बात है। तब से हम प्रभार पूर्ण प्रभार में अपना स्कूल का कार्य संपादन कर रहे हैं। वेतन बंद किया, वो भी उसको अधिकार नहीं है वेतन बंद करने का, वो भी चिट्ठी लिख कर गलत चिट्ठी लिख कर दे रहा।
तो स्कूल में कोई अच्छा काम हो तो इस काम को हमें सहयोग करना चाहिए कि नहीं? आदेश आदेश आपका प्रावधान आदेश मेरा आदेश नौ जियो का वो डीपीओ क्या कहते जेई से आदेश देकर वही तुरवाए उसी को बनाना था, सब कुछ करना था, हमारा इसमें कुछ नहीं। सर क्या नाम हुआ? सर हमारा नाम रामचंद्र प्रसाद यादव हुआ, प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री लक्ष्मी विद्यालय सीतामढ़ी।